डीडवाना से निकलने वाले किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर छापरे टोल प्लाजा के आसपास के ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन करते हुए आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के छोटे वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की। साथ ही उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की भी मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टोल कर्मी वाहन चालकों के साथ दुर्व्यवहार भी करते हैं। इस पर उपखंड अधिकारी जीतू कुलेरी ने तुरंत रीड कोर के अधिकारियों को तलब किया, जिसके बाद ग्रामीणों की सभी मांगों पर रेड कोर के अधिकारियों ने सहमति जताते हुए उपखंड अधिकारी को विश्वास दिलाया कि अब कोई शिकायत नहीं आएगी। उपखंड अधिकारी ने रेड कोर के अधिकारियों को पाबंद किया कि टोल कर्मियों का व्यवहार सुधारा जाए और सभी टोल कर्मी वर्दी में होने चाहिए। साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्रामीणों से किसी भी प्रकार का टोल नहीं लिया जाए। प्रकरण ये है कि यहाँ डीडवाना के पास में छापरी टोल है, उस टोल के ऊपर हर 2-3 महीने से कोई न कोई टोल कर्मियों द्वारा झगड़ा करके विवाद चलता रहता है। टोल कर्मी पिछले दिनों कई लोगों से बदतमीजी भी आए, पिछले दिनों आसपास के लोगों ने रोड को भी जाम किया, टोल को भी बंद करवाया, हमारी किसान सभा ने बंद करवाया, तब जाकर के कुछ मरम्मत सड़क की है। लेकिन आज हमारी मांग ये है कि निकटतम 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गाँव आते हैं, चाहे वो छापरी हो, दौलतपुरा हो, चोड़ू का हो, फोगड़ी हो, खाकोली हो, तारपरा हो, मोलासरो, जितने भी आसपास के गांव आते हैं, उनका टोल नहीं लगना चाहिए। और ये दादागिरी है, ये टोल नियमावली के अंदर भी ये है कि आसपास में 15 या 20 किलोमीटर के दायरे में टोल जो गांव है उसके टोल नहीं लगना चाहिए। हमारी मांग ये है कि हमारे चोड़ू का, फोगड़ी, जितने भी गांव, उनका सारा का सारा काम मोलासर में होता है। तहसील मोलासर है, थाना मोलासर है, एन ऑफिस मोलासर है। लोगों को एक एक दिन में 2-2 बार जाना पड़ता है और हर बार जाते हैं तो टोल कर्मी उनके साथ में बदतमीजी करते हैं, उनसे टोल वसूलते हैं बार बार और गाली गलौज करते हैं। तो आज हम SD मैडम को यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं और आज जब तक इन गाँवों का टोल नहीं करेंगे, माफ फ्री नहीं करेंगे, तब तक हम जाएंगे नहीं और अगले कदम की घोषणा भी करेंगे, चाहे टोल को हमें बंद कराना पड़े।